हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रणाली। आज हम सकुलेंट लीव्स से प्रोपगेशन करना सीखेंगे। ये हमने एक कंटेनर लिया है और इसको होल नहीं है, लेकिन जो न्यू कमर है, मतलब अभी भी गार्डनिंग करना सीखे है, तो वो एक पॉट को ड्रेनेज वाला ही पॉट ले। पर अभी हमको इसका आइडिया आ गया है, तो हम ऐसे पूरा विदाउट ड्रेनेज होल का पॉट लिया है। सबसे पहले तो इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है नीचे, और उसमें थोड़ा सा नीम खली लिया है ताकि फंगस प्रॉब्लम ना हो और लीव्स ख़राब ना हो। आप कोई भी मैन्यूर ले सकते हैं, और मैंने जानबूझ के नीचे वर्मी कंपोस्ट और इसका ये लिया है कॉम्बिनेशन, नीम खली और वर्मी कंपोस्ट, और ऊपर से फिर मैं कोकोपीट का एक लेयर दूंगी इस पर। और कुछ लीव्स कलेक्ट करेंगे अपन। मैंने गैप्टोपेटलम और एचिवेरियाज इसके लीव्स लिए, और लीव्स हमें हमेशा लीफ प्रोपगेशन के लिए हेल्दी लीव्स लेना है, ट्विस्ट एंड टर्न करके, और फ्लेशी लीव्स लेना है, कोई डैमेज या ऐसे पिलपिला वाला सड़ा हुआ ऐसे लेना नहीं है, जिससे अच्छा प्लांट तैयार हो। और कुछ मैंने टेंगल हार्ट, पर्पल हार्ट और कुछ एचिवेरियास, और हर एक के ऐसे छोटी छोटी कटिंग्स और लीव्स लिए हैं अभी आपको हम। और ऐसा लीजिए लीफ, कोई हमने बहुत सारे लीफ से सकुलेंट तैयार किए, फ्रेंड्स को दिए, किसी को गिफ्ट एज अ गिफ्ट बांट दिए, फैमिलियर फ्रेंड्स को। ये भी एक लक्ष्मी कमल यानी एचिवेरिया की वेराइटी है। ये हमारा लास्ट ईयर का है प्लांट, ये भी हमने लीव्स प्रोपगेशन से किया था। और इसका लीव्स जल्दी ग्रोथ होता है, जल्दी बड़ा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर एचिवेरिया से। और ये टेंगल हार्ट का लिया है, ये भी सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है प्लांट। ये छोटी छोटा कटिंग्स लिया है, इसका लीव्स भी बहुत ही फ्लैशी रहता है, एक लीफ से भी हो जाता है इसका प्रोपगेशन। ये ब्रह्म कमल है, हमारा लास्ट ईयर का प्रोपगेशन से ही किया हुआ था, इसको एक लीफ से बनाया हुआ था लास्ट ईयर। ऐसे हमने बहुत सारे ब्रह्म कमल बनाए इससे। इसका लीव देखिए कितना शाइनिंग है और कितना बड़ा है साइज, और छोटे छोटे लीव्स भी आ रहे हैं उसको, तो हम इससे भी प्रोपगेशन करेंगे। एक छोटा लीफ आ रहा है देखिए, अभी इससे भी छोटा थोड़ा सा इसका कटिंग ले लेते हैं, और इससे भी हम नया प्लांट तैयार करेंगे। ये देखिए, ये एक है अपना, इसे जिगजैग कैक्टस कहते हैं शायद, ये भी हमने लास्ट ईयर लिया था, तो इससे इसका भी कटिंग लगी। कलंकोई की एक स्पीसीज है, मतलब पिंक वेराइटी वेरीगेटेड वाला कलंकोई है, इसका भी कटिंग लेते हैं, इसका भी लीफ से प्रोपगेशन हो जाता है। तो अभी ये दोनों अपन कटिंग लगा के देखते हैं। इसका टेंगल हार्ट का, सॉरी ये पर्पल हार्ट है उसका, ये नीचे का लीव्स निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा वाले लीव्स, फ्लावरिंग वाला पार्ट भी इसको ये कर देंगे डिस्कार्ड, और जहाँ जहाँ से नोट हैं उसके नीचे से कट लगा लेंगे। एक नोड है, वो नोड इसमें कोकोपीट में दबा देंगे, ये इसका एक, इसको एक नोड है वो भी इसमें रख देंगे कोकोपीट में। 5-6 दिन में इसको रूट्स जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है, बड़ा प्यारा लगता है ये प्लांट अगर इसको येलो पॉट में हैंगिंग में देते हैं तो। ये भी एक सकुलेंट का ही स्पीसीज है, ये सकुलेंट में ही आता है, इसका स्टेम भी बहुत फ्लैशी रहता है, इसमें वाटर स्टोर रहता है,
अभी हम ये ग्रैप्टोपेटलम के कुछ लीव्स जस्ट कोकोपीट में डीप करके रखेंगे, एकदम दबाना नहीं इसको हमने, सिर्फ ऐसे आप ऐसा रख भी दिए सिर्फ ज़मीन पर या कोकोपीट पे तो ये अपने आप जर्मिनेट होते हैं। ऐसे प्लेट में भी रख देंगे खाली विदाउट एनी सॉइल तो भी इसमें एक महीने बाद थोड़ा पिंकिश कलर के रूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। बस हमें वाटर का स्प्रे करना पड़ता है उस पर। ये टंगल हार्ट का भी लगा दिया, ये पर्पल हार्ट भी रख दिए, कुछ लीव्स भी रख दिए। अभी हाँ ये जो है इसको ब्रह्म कमल को भी बीच में ऐसे रख दिए अच्छे से प्रेस करके, और जिगजैग कैक्टस जो है इसको भी कट करके इसमें रख देंगे। इसका वाटर प्रोपगेशन भी अच्छा होता है। कोई भी जो न्यू कमर है वो तो स्टार्टिंग में वाटर प्रोपगेशन ही करे, क्योंकि सॉइल का प्रोपगेशन फेल हो सकता है मे बी, पानी का अगर कुछ समझा नहीं अंदाज तो आपकी कटिंग्स ख़राब हो सकती है। ये रूटिंग हार्मोन लगाएंगे इसको, ये जो कैक्टस है जिगजैग कैक्टस उसको लगाएंगे ताकि कोई रिस्क ना ले लूँ इस चीज़ के लिए। ये भी बड़ा प्यारा लगता है, ये सिर्फ हैंगिंग में ही डाल दो इसको तो पिंक कलर के फ्लावर आते हैं इनको। वैसे रूटिंग हार्मोन नहीं भी लगाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पानी का ख्याल रखना पड़ता है। अभी ये कलंग कोई की लीव्स ऐसे रख भी दिए तो भी प्रोपगेशन हो जाता है। ये वेरीगेटेड वाला कलंग कोई है, ये लास्ट ईयर के प्लांट से है हमारे कलंग कोई की, बहुत बनाए और बहुत से बांट भी दिए फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स को। अभी इसका मैं आपको हमेशा अपडेट देती रहूँगी। अभी हम इसमें वाटरिंग भी करेंगे, आप स्प्रेयर से भी वाटरिंग कर सकते हो या हाथ से भी कर सकते हो। जब फर्स्ट टाइम हम वाटरिंग करेंगे तो अच्छा वाटरिंग करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब हमारी ऊपर की सॉइल ड्राई हो जाए तो वाटरिंग करेंगे। अच्छे से इसको नहला देंगे, अच्छे से वाटरिंग कर देंगे फर्स्ट टाइम में। आप 15 दिन के बाद इसको फंजीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हो, अगर आपको ऐसे लगता है कि कुछ लीव्स ख़राब हो रहे हैं या कुछ, तो फंजीसाइड का लिक्विड बना के भी आप उसका स्प्रे दे सकते हो। इसका अपडेट भी हम आपको देंगे। अभी छायादार प्लेस में हम इसको रख देंगे 5-6 दिन के लिए, एटलीस्ट 7 दिन के लिए। स्टार्टिंग में हमें ट्रे को धूप में नहीं रखना है, इसको छावदार प्लेस पे रखना है, पर इसको खुली हवा और रोशनी मिले, धूप ना मिले इसको। और एक छोटा सा ही सनफ्लावर लिया था वो भी डाल दिया हमने इसमें, बड़ा क्यूट लग रहा है वो। अब देखिए कैसे लग रहा है, इसका अपडेट देते रहेंगे आपको। अभी तो मार्च भी चालू होगा और नागपुर बहुत हीट होता है, नागपुर में 45 डिग्री सेल्सियस जाता है टेम्परेचर। ये देखिए लीफ से किया हुआ है, अभी एक महीने पहले का है, इसमें अच्छा डेवलप हो गया है, इसको रूट्स भी आ गए। एक कलंग कोई का है लेकिन ऐसे अंदर डीप इसके रूट्स बहुत अंदर चले गए। ये देखिए, ये एक निकाल के दिखाया आपको, सिर्फ 1-1 लीफ से किए हुए हैं, कुछ लास्ट ईयर के, कोई अभी के, कुछ अभी के। ये कटिंग्स अभी लगाए हैं हमने, मतलब लास्ट ईयर की कटिंग से लेके अभी ये किया है, ये इसमें भी रखा हुआ है। ये छोटा सा एक एचिवेरिया है, ये येलो की वेराइटी। ये देखिए
ये भी एचिवेरिया है, एक लीफ से बनाया, बहुत सारे बनाए हों। ये देखिए एक रेटूसा हवॉर्थिया रेटूसा, ये एक कटिंग लगाए हुए है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। ये है लक्ष्मी कमल का ही, ये है सेम्पर विवम का कोवेब का। ये देखिए ये भी लास्ट ईयर का ही है प्लांट का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।